Assalamu alaikum students, welcome to another class in FSC Part 2 Mathematics. और आज की क्लास में हम फंक्शंस की वेरियस टाइप्स को डिस्कस करेंगे. सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस. सो फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अलजेब्रिक फंक्शंस. सो नंबर वन, अलजेब्रिक functions. Algebraic functions ऐसे functions होते हैं कि जिनको हम algebraic expression से define करते हैं. So the functions which are defined or written in terms of algebraic expressions, उनको हम algebraic functions कहते हैं. अब algebraic expression क्या होता है? कोई भी algebraic expression एक ऐसा expression है कि जिसमें तमाम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स जो हैं वो कंबाइंड होते हैं बाय द ऑर्डिनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कुछ फंक्शंस लिख रहा हूँ, इक्वेशंस लिख रहा हूँ जो कि अलजेब्रिक फंक्शंस हैं. सो वाई इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल, 4x⁴ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 6. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. यहाँ पे हमने नंबर्स और वेरिएबल्स को यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन का जो ऑपरेशन है वो इन्वॉल्व है. इस तरह यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है. इसी तरह y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, 3x⁵ प्लस x² व्हाटएवर प्लस 10, तो ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है. सिमिलरली y इज इक्वल टू x/(x+1), ये हमारे पास एक डिवीजन है या रेशो है, तो ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है. सो y इज इक्वल टू सपोज 2x+5, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है. y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू सपोज सम नंबर 10. तो ऑल दीज आर बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शंस. तो ये सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शंस हैं. अलजेब्रिक फंक्शंस इसलिए हैं, इनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिफाइन किया हुआ. तो इन फंक्शंस में हर एक में जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब इन अलजेब्रिक फंक्शंस को भी हम आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. अब देखिए, जो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन जो मैंने लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 4x⁴ प्लस 3x² प्लस 9x+6. अब आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, यानी कोई भी यहाँ पे नेगेटिव पावर या फ्रैक्शन नहीं है. और अगर यहाँ पे हम देखें 6 में, तो यहाँ अगर हम वेरिएबल को देखें तो यहाँ x की पावर 0 है. ओके, तो यहाँ पे सारी की सारी पावर्स जो हैं, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की, वो होल नंबर्स हैं. तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलीनोमियल फंक्शन. तो इस जो है फंक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलीनोमियल फंक्शन. तो ये हमारे पास एक पॉलीनोमियल फंक्शन है. तो पॉलीनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जो कि एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा और जिसमें वेरिएबल्स की तमाम जो पावर्स होंगी वो होल नंबर्स होंगी. इस तरह सेकंड जो है, अब देखिए यहाँ पे पावर, यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो ये सिंपली एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये पॉलीनोमियल फंक्शन नहीं है. अब यहाँ पे आ जाएं थर्ड पे, तो थर्ड में हमारे पास देखें ये एक रेशियो है. तो यहाँ पे देखें, ऊपर भी हमारे पास एक पॉलीनोमियल है एक्स और नीचे भी एक पॉलीनोमियल और उनकी रेशियो है. ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन को हम कहते हैं रैशनल फंक्शन. तो ये जो फंक्शन है हमारे पास x/(x+1), तो ये है रैशनल फंक्शन. ओके, और इसके बाद जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x+5, यहाँ पे हम देखें तो ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन है. यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी ऐसा पॉलीनोमियल फंक्शन जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 हो, यानी डिग्री जो है वो पॉलीनोमियल की 1 हो, तो इस तरह के अलजेब्रिक फंक्शन को या पॉलीनोमियल फंक्शन को हम कहते हैं लीनियर फंक्शन. लीनियर इसलिए कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है वो हाइस्ट पावर जो है वो 1 है, इसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन. तो y इज इक्वल टू 2x+5 जो है वो
लीनियर फंक्शन है. सो दिस इज लीनियर फंक्शन. ओके, फिर है y इज इक्वल टू एक्स. y इज इक्वल टू एक्स यानी इस तरह के इस फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. सो y इज इक्वल टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन. और लास्ट में हमारे पास फंक्शन है, देखिए y इज इक्वल टू 10. यहां पे y जो है वो कोई फिक्स नंबर के इक्वल है. सो फंक्शन और y इज इक्वल टू 10, इस फंक्शन को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन. सो दिस इज कॉन्स्टेंट फंक्शन. तो यहां से हमने देखा कि हम रेशनल फंक्शन को भी आगे जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पॉलीनोमियल फंक्शंस, रेशनल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट फंक्शन. ये तो सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शंस हैं. अब हम फंक्शंस की नेक्स्ट क्लास की तरफ आते हैं जो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट मेन टाइप ऑफ फंक्शंस दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. जैसे कि नाम से जाहिर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं विच आर डिफाइंड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट. तो जिनमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से जिन फंक्शंस को हम एक्सप्रेस करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ठीक है, और यहां पे हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज भी लिख लेते हैं. तो साइन एक्स की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ साइन एक्स जो होती है वो क्या होती है, तमाम रियल नंबर्स होते हैं, ऑल रियल नंबर्स. और इसकी जो रेंज होती है, यहां पे हम एक्स की जगह कुछ भी प्लग इन कर सकते हैं, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -1 to 1 इंक्लूडिंग 1 and -1. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. ओके, यानी साइन फंक्शन जो है वो हमेशा -1 and 1 के दरमियान होगा. इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ये इनके दरमियान होगा. ये 1 से बड़ा या -1 से छोटा नहीं हो सकता. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉस फंक्शन. सो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस की जो डोमेन है, डोमेन कॉस की भी कहते हैं सिर्फ ऑल रियल नंबर. तो यहाँ हम x की जगह कोई भी रियल नंबर प्लग इन कर सकते हैं. और रेंज इसकी भी साइन की तरह ही है, इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, -1 to 1 मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी. फिर एक टेन और टेंजेंट, y इक्वल टू 10x, और 10 की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे हम x की जगह क्या क्या प्लग इन कर सकते हैं. तो याद रखें कि टेन जो है वो बेसिकली रेशियो है साइन और कॉस की, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स. टेन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. ओके, अब हम देखें यहाँ पे अगर इस फ्रैक्शन में अगर कॉस जीरो हो जाए तो ये फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाती है, यानी टेन अनडिफाइंड हो जाता है. तो टेन की डोमेन जो है, ठीक है, उन वैल्यूज पे जहाँ पे कॉस जीरो है टेन अनडिफाइंड हो जाता है. तो डोमेन में यानी तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं सिवाय उन वैल्यूज के जहाँ के कॉस जीरो हो. और आपको पता है कॉस कहाँ जीरो होता है, पाई बाय टू पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, या इन जनरल π/2 के कोई भी ऑड मल्टीपल पे. इट मीन्स यहाँ पे जो डोमेन होगी टेन की वो क्या होगी, तो सिर्फ ऑल रियल नंबर्स, सही दैट x इज नॉट इक्वल टू सम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के बाकी यहाँ पे डोमेन में कुछ भी आ सकता. और इसकी जो रेंज होगी टेन की, रेंज जो टेन की होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, सिर्फ ऑल रियल नंबर्स. ओके, फिर हमारे पास जो फंक्शन है वो है कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स. तो ये बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल है,
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 बाय साइन एक्स। इसकी डोमेन क्या होगी? अच्छा, अब इसकी डोमेन में भी हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में साइन एक्स अगर जीरो हो जाए तो कोसेकेंट अनडिफाइंड हो जाता है। इट मींस डोमेन वो तमाम वैल्यूज आएंगी जहां पे साइन एक्स जीरो ना हो। तो साइन एक्स जीरो किन वैल्यूज पे हो रहा है? पाए पे, टू पाए पे, थ्री पाए पे, यानी कोई भी पाए के कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल हो, यानी एन पाए, उसको हम जनरली लिखते हैं। तो डोमेन क्या होगी? सो डोमेन ऑफ कोसेकेंट इज ऑल रियल नंबर्स साई दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एनी मल्टीपल ऑफ पाए, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाए। और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? रेंज जो कोसेकेंट की होगी वो ये होती है कि कोसेकेंट यानी यहाँ पे जो वाई वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगा? वन से बड़ा या बराबर होगा, और माइनस वन से क्या होगा? छोटा होगा। माइनस वन से बराबर या छोटी वैल्यूज और वन से बराबर या बड़ी वैल्यूज इसकी रेंज होगी। फिर है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिकंट एक्स। तो सिकंट बेसिकली कॉस का रेसिप्रोकल है। इसकी भी डोमेन में वो तमाम नंबर्स आएंगे जहाँ पे कॉस जीरो ना हो। कॉस जीरो होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और कॉस कहाँ जीरो होता है? कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के। इट मीन्स इसकी जो डोमेन होगी वो होगी सिर्फ ऑल रियल नंबर्स साई दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू सम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। और इसकी जो रेंज होती है वो सेकंड की तरह कोसेकंड की तरह ही है कि वन से ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड लेस देन और इक्वल टू माइनस वन। और फिर एक कॉट वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। और कॉट बेसिकली टेन का रेसिप्रोकल है। इसको अगर हम रेशियो में लिखें तो ये लिखा जा सकता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। और इसकी डोमेन में क्या होगा? वो तमाम वैल्यूज होंगी जहां पे साइन जीरो ना हो। अगर साइन जीरो होता है तो कॉट अनडिफाइंड हो जाता है। और साइन कहाँ जीरो होता है? कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाए हो। तो इसकी डोमेन क्या होगी? सो डोमेन इज सिर्फ ऑल एक्स साई दैट रियल नंबर साई दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाए। और इसकी जो रेंज होगी कॉट की वो टेन की तरह क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज इज ऑल रियल नंबर्स। तो ये अभी तक हमने फंक्शंस की मेन टू टाइप्स अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। और जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन हम डिस्कस करेंगे वो हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो नंबर थ्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हमारे पास है सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, साइन इनवर्स जो है इसकी जो डोमेन होगी वो होगी बेसिकली किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है उसमें उसकी डोमेन जो है गिवन फंक्शन की इनवर्स में उसकी रेंज बन जाती है, और जो रेंज है उसकी डोमेन बन जाती है। डोमेन और रेंज बेसिकली शिफ्ट हो जाती है। तो ये साइन का इनवर्स है। तो साइन की हमने देखा था कि जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स थी, और रेंज जो थी वो माइनस वन टू वन थी, इंक्लूडिंग माइनस वन एंड वन। तो आज की जो डोमेन होगी अब वो साइन की रेंज होगी बेसिकली। और साइन की रेंज क्या थी? माइनस वन टू वन। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? माइनस वन टू वन। ओके, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन और इक्वल टू वन। और इसकी जो रेंज होगी लेकिन इनवर्स के लिए रेंज हम सारे रियल नंबर्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक पूरी जो हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन साइन की जो डोमेन थी उसका हम सिर्फ एक पार्ट लेंगे, क्योंकि इनवर्स के लिए हमने फंक्शन को वन टू वन बनाना होता है। ये फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी बेसिकली जो रेंज होगी वो ये होगी माइनस पाई बाय टू
2π/2, ये जो है वो साइन इनवर्स की रेंज होगी। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये कॉज का इनवर्स है और इसकी जो डोमेन होगी वो उसी तरह -1 और 1 होगी, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 to π, 0 to π इसकी। ओके, फिर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और इसकी जो डोमेन होगी एक्स वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी -π/2 to π/2, -π/2 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और नेक्स्ट जो हम फंक्शंस देखेंगे वो हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली कोई भी ऐसा फंक्शन होता है कि जहाँ पे x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो पावर में हो। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2 to the power x, तो यहाँ आप देखें पावर में x आ रहा है, एक्सपोनेंट के तौर पे x आ रहा है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सिमिलरली y इज इक्वल टू एनीथिंग, सपोज e to the power x, तो e भी एक नंबर है e to the power x, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और फिर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, तो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो x = a to the power y, इसी को हम इसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं दैट लॉग ऑफ x to the base a is equal to y, इसी चीज को हम इस तरह इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। सो लॉग ऑफ x to the base a is equal to y, इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x to the base a, तो ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। और अगर यहाँ पे a की जगह e आ जाए, स्पेशल नंबर इरेशनल नंबर e आ जाए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x to the base e, और इसको हम यूजली लिखते हैं log natural x, ln x, so y is equal to ln x, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बेस है log की, बेस जो है वो क्या e है। फिर उसके बाद हमारे पास फंक्शंस हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। सो नंबर 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस में हमारे पास क्या होंगे, सो y इज इक्वल टू पहले होगा सपोज साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की टर्म्स में इनको डिफाइन करते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं फिर e to the power x - e to the power -x/2, इसको इस तरह लिखते हैं। ओके, और इस तरह जो कॉज हाइपरबोलिक होगा, तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स उसको हम लिखते हैं e to the power x + e to the power -x/2। ओके, और फिर है टेन हाइपरबोलिक, तो टेन हाइपरबोलिक एक्स उसको हम लिखते हैं, बेसिकली वो रेशियो है साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉज हाइपरबोलिक एक्स। बेसिकली अगर हम देखें इसको इस पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा e to the power x - e to the power -x/e to the power x + e to the power -x, तो ये टेन हाइपरबोलिक एक्स हो। और फिर इस तरह हमारे पास है y इज इक्वल टू सपोज कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, तो वो बेसिकली क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होगा 1/sin hyperbolic। अब साइन हाइपरबोलिक क्या था, देखें e x - e - x/2, जिसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 2/ex - e - x। और इसी तरह फिर सेकंड हाइपरबोलिक, तो ये कॉज हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/cos hyperbolic, तो ये हो जाएगा 2/ex + e - x। और उसके बाद है कॉट हाइपरबोलिक, तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स जो है वो टेन हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल होगा, तो टेन था e x - e - x / e x + e - x,
तो कॉर्ड जो उसका रेसिप्रोकल होगा तो ये होगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। तो ये हैं हाइपरबॉलिक फंक्शंस। फिर इसके बाद है इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस। फिर नंबर 7 हमारे पास फंक्शंस हैं इनवर्स हाइपरबॉलिक। इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू tan हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x। तो ये इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस। नंबर 8 एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शन बेसिकली हमारे पास ऐसे एक फंक्शंस होंगे जहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है फंक्शन में y जो है वो क्या होगा, वो हमेशा x की टर्म्स में दिया होगा। यानी हमारे पास जो फंक्शन होगा वो y इन टर्म्स ऑफ x होगा, यानी y को अलग से फंक्शंस में एक्सप्रेस किया होगा सेपरेटली, y को इन टर्म्स ऑफ x दिया होगा उस फंक्शन में, यानी y अलग से हमें दिया होगा। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जो हमेशा क्या होता है इस फॉर्म में, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक फंक्शन में हमें y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है। ओके, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसके बाद होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा होता है कि जिसमें y को, वो बेसिकली अपोजिट होता है एक्सप्लिसिट का, जहाँ पे y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं दिया होता। यानी y और x मिक्स्ड होते हैं, इंटरमिक्स्ड होते हैं, ये उनको वहाँ से y को हम सेपरेट सॉल्व y के लिए नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। तो वो x और y मिक्स फॉर्म में दिए हों, y इन टर्म्स ऑफ x ना दिया हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ पे देखें x और y मिक्स दिए हुए हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं दिया हुआ, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इसी तरह सपोज एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, सपोज यहाँ पे भी ये भी क्या है, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पे y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं दिया हुआ, तो ऐसा फंक्शन जहाँ पे y को, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना लिखा हो, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा कि जहां पे हम x की जगह अगर हम माइनस एक्स प्लग इन कर दें तो फंक्शन चेंज नहीं होता। ओके, सो इफ अ फंक्शन y इक्वल्स f ऑफ x इज इवन इफ f ऑफ नेगेटिव x is also equal to y। यानी अगर हम x की जगह negative x भी put कर दें तो फिर भी function unchanged रहेगा। जिस तरह देखें अगर हमारे पास function हो y is equal to x squared, यहाँ पे अगर देखें मैं x की जगह minus x भी put कर दूँ, minus x का square करूँ, दोबारा से हमारे पास वही function आता है, तो ये एक even function। जबकि अगर हमारे पास क्या हो x cube हो और यहाँ पे अगर मैं x की जगह minus x put करूँ तो y is equal to minus x cube which is equal to minus x cube, तो वापस वो फंक्शन नहीं आता, तो x क्यूब जो है वो इवन फंक्शन नहीं है। इसी तरह इवन फंक्शन की एक और एग्जांपल है ट्रिग्नोमेट्री में cos x। देखें cos x की जगह अगर हम नेगेटिव x भी पुट कर दें तो वापस cos x आता है, यानी cos जो है वो भी एक इवन फंक्शन। उसके बाद है ऑड फंक्शन।
ऑड फंक्शन ऐसा होता है कि अगर हम x की जगह नेगेटिव x पुट करें तो हमारे पास वापस वही फंक्शन आता है बट विद नेगेटिव साइन, यानी उसका साइन रिवर्स होकर आता है, नेगेटिव साइन के साथ आता है। सो अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ऑड इफ f ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां पे देखिए इवन फंक्शन में ये था कि f ऑफ नेगेटिव x जो था वो f ऑफ x के इक्वल था, सेम वही था। यहां पे f ऑफ नेगेटिव x जो है वो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, वही फंक्शन आएगा बट विद नेगेटिव साइन। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे ऑड। फॉर एग्जांपल अगर हम x क्यूब की बात करें, y इक्वल x क्यूब, यहां पे देखें नेगेटिव x का क्यूब अगर हम करते हैं तो क्या आता है, माइनस x क्यूब आता है विच इज नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। y इक्वल x क्यूब जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली एक ऑड फंक्शन होगा। इस तरह ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम ऑड फंक्शन की कोई एग्जांपल बताएं तो वो है tan x। ओके, सो y इज इक्वल टू tan x, क्योंकि अगर हम tan ऑफ नेगेटिव x करते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ tan x। तो tan x जो है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेसन में हमने फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया और नेक्स्ट लेसन से इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है, काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए, तो आप इन तमाम लेक्चर्स को, लेसन्स को रिवाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।